हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्लास ट्वेल्थ के लिए लेसन फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत आवेश का आविष्कार किसने किया है, हमें ये कैसे पता चला कि विद्युत आवेश नाम की कोई चीज़ भी है। तो 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ है, एम्बर AMBER, जिसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। अब हम ये तो जानते हैं कि आवेश का मेन काम क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये काम तो हमें अभी पता चला है। लेकिन जब स्टार्टिंग में हमें इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, तो सिर्फ हमें इतना ही पता था कि जो भी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है या इसके ऊपर कोई ना कोई साइंस काम करती है। तो इसका नाम हमने उसी टाइम पर विद्युत आवेश रख दिया, ठीक है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का काम तो आकर्षण आकर्षण का नहीं होता, प्रतिकर्षण का भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में यही पता चला था कि ये सिर्फ क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। तो इनका सबसे पहला गुण है कि यदि धनावेश धनावेश साथ में हो, ऋणावेश ऋणावेश साथ में हो, तो प्रतिकर्षण होता है। यदि धनावेश ऋणावेश साथ में हो या ऋणावेश धनावेश साथ में हो, तो आकर्षण होता है।